हेलो एवरीवन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भारत सरकार की तरफ से वैकेंसी आई है जिला परियोजना अधिकारी की, जहां एनी ग्रेजुएट आर्ट्स कॉमर्स साइंस जिस भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मेल फीमेल कैंडिडेट यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। सैलरी यहां पर 38,000 से भी अधिक आप लोगों को मिलेगी। सिलेक्शन यहाँ पर मेरिट के आधार पर रहेगा, एग्जाम यहाँ पर नहीं होगा। तो चलिए विज्ञापन जो है वो हम देख लेते हैं, मेन वेबसाइट पर जो जारी किया गया है। तो ये जो है विज्ञापन जो कि बहराइच जिले से आया है, कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच वन विभाग बहराइच 7 अक्टूबर 2023 से। सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझिएगा, अंत तक वीडियो जो है वो देखें, तभी आप लोगों की सारी चीजें क्लियर होंगी। सिलेक्शन जो है वो आप देखें, यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो यहाँ पर जो है जिला परियोजना अधिकारी का पद है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है, मेल या फीमेल कोई भी यहाँ पर आवेदन कर सकता है। मानदेय जो है यहाँ पर आप लोगों की जो सैलरी जो 38,000 से भी अधिक आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि सैलरी के साथ में डीए सारी चीजें आप लोगों को यहां दी जा रही हैं। पदों की जो संख्या है वो ज्यादा नहीं है, एक ही पद है, लेकिन ये एक पद जो है वो किसी भी कैंडिडेट का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्जाम नहीं है। उम्र जो है यहाँ पर 45 वर्ष तक जो है वो रखी गई है, और ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पर जो सिलेक्शन रहेगा तो आपके जो है इन परीक्षा या उपाधि जो भी दी गई हैं इनके बेस पर ही होगा। जैसे कि हाई स्कूल है तो उसका जो है वो 10%, इंटरमीडिएट का 10%, स्नातक का यहाँ पर 20%, किसी तकनीकी शिक्षण संस्थान से अगर आपने 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा है तो उसका 10%। ये मार्क्स जो है वो आपके 100 में से होंगे, कि इन 100 में से जो है वो अधिकतम जो है आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपने इस फील्ड में कोई वर्क किया है, स्वच्छता अभियान, जल निकाय, प्रदूषण उन्मूलन और स्वच्छता, या फिर जैसे कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास जो है सर्टिफिकेट होता है, जिनको इंटरेस्ट होता है ऐसे कामों में, जैसे युवा गतिशीलता पर शिक्षा या जागरूकता सृजन कार्यक्रम, इनमें आपने कभी पार्टिसिपेट किया है और कम से कम 2 साल का अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, तो आप जो है यहाँ पर आप लोगों को जो है न्यूनतम 2 वर्ष के अनुभव के लिए 5 अंक आपको मिलेंगे। इससे भी ज्यादा अगर आपके पास है तो हर 2 वर्ष पर आपको 5-5 अंकों का योग यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और अधिकतम जो है यहाँ पर अंक निर्धारित किए गए हैं 20 अंक। तो अगर आपके पास है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और नहीं है तो यही मार्क्स जो है वो आपके कटेंगे। इंटरव्यू के आपके जो है यहाँ पर 25% साक्षात्कार का जो प्राप्तांक रहेगा वो 25 रहेगा। संबंधित क्षेत्र में अच्छे उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड अनुभव वाले जो स्थानीय उम्मीदवार हैं, यानी ये जो वैकेंसी है ये बहराइच यूपी उत्तर प्रदेश की है, तो यहाँ के जो स्थानीय उम्मीदवार हैं इनको 5% जो है यहाँ पर प्राप्तांकों का 5% जो है वो एक्स्ट्रा मिलता है, अगर उनके पास जो है वो शैक्षणिक रिकॉर्ड और अनुभव प्रमाण पत्र है, ठीक है। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं इनको ये 5 मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे। तो बाकी जगह जो है वो आप अगर आपके पास जो है अच्छे अंक हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक में है, कंप्यूटर में अच्छे हैं, तो यहाँ पर जो है वो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आपके पास इसका कोई जो है यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है और आपके पास जो है संबंधित क्षेत्र यानी इस क्षेत्र के आप निवासी भी नहीं है, तो ये मार्क्स जो है वो आप छोड़कर इंटरव्यू में काफी अच्छा जो है परफॉर्मेंस अगर देते हैं तो ये मार्क्स आपके यहाँ काम आएंगे, ठीक है। तो ये सभी जो है 100 मार्क्स में से निर्धारित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पहले अपना जो है वो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है जारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो 15 है, ये जो नियुक्ति है ये अनुबंध प्रक्रिया संविदा के आधार पर होगी शुरुआत में, और जो है यहाँ पर जो भी अप्लाई करेंगे इनका कार्य या व्यवहार का जो है वो वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा, एवं संतोषजनक पाए जाने पर जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत इनकी जो संविदा होगी 1 वर्ष की अवधि के लिए इनको पहले रखेंगे, उसका जो है नवीनीकरण किया जाएगा, यानी आगे भी जो है इसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है कैसे एप्लीकेशन करना है। अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं। लास्ट में ही जो है इसी पीडीएफ फाइल में जो आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है बहुत ही सिंपल है, और इसे आपको फिल करना है। फिल करके आप लोगों को यहाँ लिखा है आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा,